लगती है तब भी हम जो है बहुत छोटा सा कार्यक्रम कर पाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये भव्य जो है भवन का जो है निर्माण कराया है, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे बहुत से जो यहाँ दानदाताओं ने, सभी लोगों ने, सामाजिक सेवकों ने सब बहुत योगदान किया तब जा कर के ये। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने जो है पूरे प्रदेश भगवान बुद्ध को और बाबा साहब के अम्बेडकर के मानवर काशीराम सब के विचारधारा को कितना बढ़ा करके कितने बड़े बड़े स्मारक बनाए जो कि एक आपका इतिहास आ चुका है। तो इसलिए उसके लिए ये भी जरूरत है कि हमें राजनीतिक यूनिटी भी बनाए रखना है। यद्यपि बहुत सी चीज़ें हैं, हर कोई बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब की विचारधारा को जो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तविक जमीन में जाइए तो कुछ और ही। और चूँकि यहाँ पर जो दो ही विचारधारा है, एक बाबा साहब की विचारधारा और दूसरा जो है अन्य जो है हमारी जो है मनवादी विचारधारा है, पूरा समाज पूरा देश इन्हीं विचारधाराओं में बता सकते हैं और इसी में संघर्ष करता है। बाकी बीच में तो कोई किसी का कोई बहुत वहाँ नहीं है, कोई एक भगवान को मानता है तो कोई दूसरे भगवान को मानता है, लेकिन वही सब सारी चीज़ें। और बाबा साहब ने जो अपना जो पूरा जीवन उन्होंने सबको एक साथ समर्पित करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक होने के लिए जो है लगा दिया, और उन्होंने सारी तपस्या सारा परिवार सब त्याग करके और इस समाज के लिए पूरा योगदान दिया। तो साथियों, हमारा एक राजनीतिक मंच भी बना हुआ है, उसमें हम लोग यद्यपि इसमें कोई शंका नहीं है, हम लोग उसको जो है आगे बढ़ाना है। और साथ में एक चीज़ और है कि जो बाबा साहब की जो कास्टलेस सोसाइटी है, क्योंकि हम जो है यदि हम ऐसे बटे रहेंगे तो थोड़ा सा, हालांकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है जो बाबा साहब की विचारधारा के लिए और एक पार्टी के लिए सब लोग लगभग कॉमन है, लेकिन हमारा ये है कि बाबा साहब ने हमेशा ये विचारधारा रखी है कि हम जो है किसी को एक सब कास्ट में या कास्ट में या शिव कास्ट में कई जगह बढ़ने से हमारी यूनिटी ब्रेक होती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो सब पूरे समाज का जहाँ हमारी यूनिटी एक रहेगी, सारी जातियाँ और जातियाँ जब एक रहेंगी, रोजी रोटी का संबंध होगा, तो निश्चित है कि हम लोग एक बड़ी शक्ति के रूप में हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि यद्यपि सरकार है, दूसरी सरकार है, लेकिन सरकार आपने जंगल में कभी देखा होगा कि जो शेर होता है, लायन जो है जंगल का राजा जिसको बोलते हैं, और सबसे शक्तिशाली जो है जानवर माना जाता है, लेकिन यूनिटी वो जंगली कुत्ते यदि यूनाइट हो जाते हैं तो उस शेर को गिरा देते हैं। ये बिल्कुल जो है कुदरत का नियम है, इसलिए हमारी सरकार नहीं है, इसके बावजूद भी हमें यूनिटी बनाए रखना है, किसी के सुख दुख में अगर शामिल होना है और तभी हम जो है इसका मुकाबला कर पाते हैं। बाबा साहब की जो विचारधारा थी सबको एक करने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जैसे यहाँ पर हमारा दोरे समाज, कहीं पर अहिरवार समाज, कहीं पर कुरील समाज, तो सुनने में तो सब एक ही है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम लोग अलग अलग ऐसे होता कि अरे भाई यहाँ अलग है अलग। तो बाबा साहब का जो मेन मकसद था संगठित होने का, उसमें यह था कि आपको आपस में रोजी रोटी का समर्थन, और हमारे एक जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बहुत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जे एन आनंद जी, अभी अभी जो है 15-20 दिन पहले उनका परिणाम हुआ है, तो वो सबको कहते थे कि आप बौद्ध बने हैं, हम लोग भी कभी कभी कहते हैं हम बौद्ध हैं, प्रार्थना बौद्ध हैं, तो कहते थे कोई बौद्ध नहीं, सब जो है जातियों में बटे हुए हैं, सब जो है सब जातियों में बटे हुए हैं, कई जगह बटा हुआ है, बैकवर्ड कई जगह बटा हुआ है। तो हम जो है ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो है जो बाबा साहब की विचारधारा उसको केवल झूठा होता सही नहीं, हमको ऐसा ना, आप सब लोगों को ये देखना होगा कि हम जो है जो हमारी विचारधारा है और बाबा साहब की जो विचारधारा है, यदि उसको आपको सही राम पाने में आपको असली दावा देना है तो ये सब कास्टेंट आपको, और कोई हो या ना हो, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा बाबा साहब का, वैसे बहुत ज़्यादा मैं उनके लिटरेचर के बारे में
जानकारी नहीं रहती है मुझे, ना मैं पढ़ पाता हूँ, लेकिन इतना मोटा मोटा जरूर है कि उनकी जो सिद्धांत तथागत भगवान का जो सिद्धांत है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसका अक्षर से पालन मैं करता हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस कास्ट सब कास्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने भाई की शादी ग्रीन समाज में की थी। मतलब जो है एक्चुअली कानपुर में स्थापित हूँ, तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ ना रहे। इसके बाद मैंने अपने बड़ी बेटी की शादी, जो कि जो है दोहरे समाज, जो कि इटावा के रहने वाले हैं हरिराम दोहरे साहब, प्रोफेसर थे वो मेडिकल उसमें CSM है, उनके बेटे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह से की है। और यही नहीं थे, लोगों ने हमके ऊपर व्यंग करना शुरू कर दिया कि भाई ये दोहरे पूरी शंखवा अहिरवाल ये तो सब एक ही है। तब मैंने छोटी बेटी की शादी जो है धोबी समाज में, लड़का क्लास वन IAS है धोबी समाज में। तो हमें और उससे क्या है कि आपको जब आप सारे समाज को एक करेंगे तो आपको एक बड़ा दायरा होता है। एक दूसरे को जो गाली देना आप लोग गाली देते रहते हैं वो बंद हो जाता है, अनसातस हो जाता है, आपका दायरा बढ़ जाता है। आप जो है छोटे संकुचित विचारधारा से आप जो है उठ करके बाहर आते हैं। तो हमारा क्योंकि आज जो पुस्तकालय है निश्चित है कि बाबा साहब ने जो शिक्षित रहने का जो है जो हम लोगों को पाठ पढ़ाया है, तो इस तरह के लाइब्रेरी, इस तरह के लिटरेचर हम लोग यहाँ रहेंगे। हमारे लोग जो लिटरेचर को पढ़ेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ेंगे तथा कर भगवान बुद्ध की विचारधारा को पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि हम लोग जो है उनके अनुकरण को हम लोग कर सकते हैं। हमारा चूँकि आज का उद्देश्य यही है कि सब लोग संगठित हो हर तरह से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, अर्थ की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब जो स्थिति आ रही है हमारी कि हमारा जो आप लोग देख रहे होंगे कि नौकरियां खत्म हो रही हैं और हम लोगों को अब जो है इधर जो है आपको बिजनेस की तरफ भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद, चूँकि हम लोगों की एक मानसिकता ये रहती है कि अरे साहब सर्विस वाली मानसिकता रहती है कि हम लोग सर्विस में ही जो है केंद्रित रहते हैं, और सर्विस है नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको रोजी रोटी का साधन कैसे मिलेगा। हमने एक विचारधारा की और हमने बाबा साहब शादी जो है तो हमने किया ही है, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमने एक जो है केमिकल का काम डाला है। और वो केमिकल में जस्ट आपको 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल कोट करूँगा जो कि आप कह सकते हैं कि आपके सारे प्रयास जो है सफल रहे हैं। और उस केमिकल में सुलाको केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये अगर गूगल पे आप इसको सर्च करेंगे तो पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित की है। और एक जानकारी और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, इसके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर सारे सूकास्ट के लोग, एक एक जो है हमारा जो प्राथमिक समाज होता है जो हमारे एटा साहब में कठेरिया बाल्मीक लिखते हैं, एक डायरेक्टर इस समाज से है। दूसरा डायरेक्टर गौंड जो आपके देवरिया बस्ती साइड में गौंड ट्राइबल में भी होते हैं वो है, और एक लड़का गौतम है दीपक गौतम हरदोई का वो है, और एक हमारा बेटा जो है जो कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में घाटापुर से बसपा से जो है चुनाव लड़ा था वो। ये चारों के चारों डायरेक्टर सब के सब छू कास्ट की अन्य जातियों से उनको शामिल करके हमने जो है इस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्थापित किया है। और इस कंपनी में जो हमारे जूते चप्पल जो बनते हैं इसका जो सोल बनता है तल्ला, उसका जो रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और हम लोग उसको एक साल के अंदर हम इतना बड़ा उसको टर्नओवर ओवर स्थापित करके आप लोगों को बता देंगे। मैं केवल दोस्त ये नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें इस तरफ भी आपको चलना है। यदि आप इस तरफ नहीं चलेंगे, केवल नौकरियों के भरोसे रहेंगे, तो आगे हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य, आगे आने वाली जनरेशन का भविष्य है थोड़ा सा अधूरा होगा। तो हमारा प्रयास होगा, हम लोग इस लाइन में भी बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं कि जब से मैं रिटायर हुआ तब से उस कंपनी का 4 गुना टर्नओवर बढ़ गया। और यही नहीं, क्योंकि निश्चित है कि अगर हम कहीं बिजनेस में शामिल होंगे तो मैन पावर अधिकांश हमारी है, अगर हम कंज्यूमर में
अगर हमारा 25-30% जो अगर सूर्य का कनीमर अगर अपने को इस्तेमाल करने लगे